नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करने वाले हैं आईसीएआर का बीट द हीट समाधान के बारे में। आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है, गेहूं की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है। आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने गेहूं की तीन नई जलवायु स्मार्ट किस्में SDCSW80, SD3385 और SD34110 को विकसित किया है। जल्दी बुवाई के लिए अनुकूल ये किस्में मार्च के महीने में फसल पर पारा स्पाइक्स तापमान में वृद्धि के प्रभाव को भी कम करती है। मार्च 2022 में हुए तापमान वृद्धि ने गेहूं की फसल में जब स्टार्च और प्रोटीन जमना शुरू हुआ तब फसलों को झुलसा दिया था। इससे सरकारी खरीद में कमी के साथ उत्पादन भी प्रभावित हुआ था। मार्च में होने वाली तापमान वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने तीन नई किस्में तैयार कर ली हैं। इन किस्मों को माइल्ड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट के साथ विकसित किया गया है। सामान्य रूप से गेहूं की हेडिंग, परागण, बाली बनने, दाना आने में लगते हैं 80 से 95 दिन, लेकिन नई किस्म में हेडिंग का समय 10 से 20 दिन तक कम हो जाता है। साथ ही ये किस्में शुरुआती सर्दियों में आवश्यकता के अनुसार अपने आप को विकसित करती हैं। आईसीएआर के वैज्ञानिकों ने इस समाधान को बीट द हीट नाम दिया है। गेहूं 140 से 145 दिनों में तैयार होने वाली फसल है, जिसकी बुवाई ज्यादातर नवंबर के महीने में होती है। गेहूं भारत में एक मुख्य फसल है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।